हेलो ब्रिवन, आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कल इलाहाबाद गए थे और दवा ले आने के लिए इनको साथ में ले गए थे। दवा लेके आए हैं तो वहाँ बहुत देर हो गए। सुबह यहाँ से बस यहाँ पे गांव में एक बस जाती है तो वहाँ से सुबह हम लोग रात में 3 बजे उठे हैं। 3 बजे उठ के फिर भी नौका 5 साढ़े 5 बजे वहां पहुंच गए थे जहाँ बस मिलती है। बस मिली तो फिर वहाँ करेक्ट 8 बजे बस हमको पहुंचा दी थी इलाहाबाद। इलाहाबाद पहुंचा दी थी। फिर उसके बाद वहाँ से हम लाइन गए हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गए हैं फिर डॉक्टर बैठते हैं 11 बजे। और ये जो है फिर रिक्शा से किए, फिर रिक्शा से पैदल, रिक्शा से गए तो भाड़ा लिए हैं 60 रुपये 2 लोग के लिए, 30-30 रुपये आने जाने के लिए। फिर भाड़ा लिए हैं वहाँ से पैदल, बहुत ढेर दूर जाना पड़ता है। फिर जो है वहाँ डॉक्टर गए, फिर लाइन लगाए हैं। लाइन में लगाते लगाते समय पर्चा जो है, तब पर्चा मिल गया था तो 50 नंबर आया था लास्ट, 50 नंबर आया था। और पर्चा जल्दी से लाइन में लग गए थे। सुबह 8 बजे गए तो जल्दी जल्दी लाइन लगा लिए थे, नहीं तो बेचारे लोग, और कितने लोग, 130, 135, 120 ऐसे लोग बेचारे लोग रात में भी देखते हैं डॉक्टर। और 11 बजे बैठते हैं, 11 बजे बैठते हैं तो जैसे 10 बजे बैठे तब भी जल्दी जल्दी देख लें। और जो है इमरजेंसी जो केस रहता है वो जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी लोग आते हैं उनको देखते हैं। और जो 500 रुपये फीस लेते हैं वो उनको पीछे कर देते हैं, उनको बाद में देखते हैं। तो हमारा 2:30 बज गया था तब तब जाके वहाँ पे, मतलब तब इनको हम दिखाए हैं किसी तरह। देख, ये भगवान का शुक्र है कि 2 बजे 2:30 बजे तक देख लिए, तब हम वापस आए हैं। 3:30 बजे बस मिली है, तब किसी तरह जल्दी जल्दी हम घर आए हैं। तो आते आते समय हमको 7 बज गया था और दवा मिली है। 3 महीने की दवा लिखे थे तो बजट हमारा नहीं था, पैसा बिल्कुल नहीं था। तो फिर और तो हम इतनी ही दवा, 2 महीने की दवा हम लेके आए हैं और 3 CC ये है। और दवा बहुत महंगी है और ये है, ये 2 महीने की पूरी दवा है, 2 महीने की है, किसी तरह मिल गई है। और 1500 फीस इमरजेंसी केस में देखते हैं, अगर 1500 रुपये आप दे देंगे तो जल्दी आप वैसे जाके दिखा लेंगे। और जो वैसे माइक से पुकारते हैं, बुलाते हैं कि 5 5 लोग को अंदर जाने देते हैं, बोलते हैं कि जो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 45, 45 फिर 45 से 50। तो 50 हमारा नंबर आया था तो हमको जल्दी जल्दी दिखा दिए थे। तो हम तो बिल्कुल आशा नहीं किए थे, कि हम बिल्कुल विश्वास नहीं था कि हमको दवा मिल जाएगी, हम दिखा लेंगे डॉक्टर को। लेकिन भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। दवा किसी तरह हम डॉक्टर को भी दिखा लिए और दवा भी ले गए। ये इतना, मतलब उनका हाथ पैर पूरा इतना कांप रहा था, घबराहट हो रही थी, बोले कि घर चलो, हमारी तबीयत खराब हो रही है, हमारी तबीयत खराब हो रही है बहुत एकदम। लेकिन हम बोले हम बिना दवा लेके, हम दवा ले लेंगे तभी हम घर जाएंगे। हम बोले कि इनको जाओ वहाँ एकांत में बैठो, वो आप बाहर निकल जाओ, हम यहाँ लाइन में खड़े थे। तो फिर हम जबरदस्ती हम दवा लेके आए, नहीं तो दवा नहीं लेते, वैसे चले आते। इतनी घबराहट इनको हो रही थी, उलझन हो रहा था और पूरा हाथ पैर कांप रहा था। तो किसी तरह दवा मिल गई है, भगवान का शुक्र है। और फिर अभी 1 महीने की दवा लाना पड़ेगा। अब आगे का सोच टेंशन रहेगा कि कैसे जाएंगे और कैसे दवा लेके आएंगे। दूर है, अगर प्रतापगढ़ तक होता तो चल जाता, लेकिन इलाहाबाद बहुत दूर है। फिर वहां से जब लौट जाते समय तो आराम से हम पहुंच गए थे, लेकिन आते समय हमको बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि बस यहाँ विश्वनाथगंज में छोड़ दी, उतार दी। विश्वनाथगंज से फिर टेम्पो किए हैं, टेम्पो किए हैं तो फिर यहाँ पे कौलीपुरवा छोड़े हैं। कौलीपुरवा से हम फिर 5 किलोमीटर पैदल आए हैं। फिर उसके बाद जहाँ साइकिल खड़ी कर रहे थे वहाँ पे फिर हम लोग आए, तो फिर साइकिल से हमको ले आए हैं। फिर 2-3 किलोमीटर वहाँ फिर साइकिल से हम आए हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम घर पहुँचे हैं। 7 बज गया था और अंधेरा हो गया था, पैदल चल रहे थे, एकदम सन्नाटा रास्ता था, तो बहुत डर लग रहा था। लेकिन भगवान किसी तरह घर पहुंचा दिए हैं हमारे और हम आ गए हैं। तो आज हमारा तबीयत थोड़ा नरम हो गया है, फिर उसके बाद आराम हो जाएगा धीरे धीरे। पानी वानी गर्म करके हम पेट वेट सेक लिए हैं तो आराम हो जाएगा। और फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।